टोटल बजट में कोई चीज नहीं। और आप देखिए ये टोटल मैंने जो निकाला हुआ है, इसमें जितने पैसे टोटल हमारी रिसीट्स है उनमें से 23% तो अकेले जो लोन्स हैं उनकी किस्तें देने के लिए 23% पैसा डेट सर्विसिंग के लिए रखा। 57.6% सैलरीज और पेंशन्स का, 25.14 पावर सब्सिडी का। अगर टोटल आप देख लीजिए, इनके पास 3% पैसे बचे हैं पंजाब में डेवलपमेंट वर्क्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, तो आप ये देखिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चीज, एजुकेशन है, कुछ भी है, उसके लिए पैसा ही कोई नहीं। और यही वो गवर्नमेंट है आप देखिए जिसमें इन्होंने, इनके केजरीवाल साहब ने और सीएम पंजाब ने ये बात कही थी कि जब पूछा लोगों ने कि पिछली सरकारों ने कर्जा उठाया, आप बताओ क्या करोगे, कि कहां से पैसे लाओगे, आमदन का जरिया तो ज्यादा है नहीं। केजरीवाल साहब ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपया फी साल में माइनिंग से निकालूंगा जी, और 34,000 करोड़ निकालूंगा, 1,72,000 करोड़ का तब बजट था जो 2 लाख का आज, कि इसमें से अगर आप 20% भी लीकेजेस बंद कर दें, और मैं करूंगा 34,000 करोड़ वो होगा दोनों से, जो 54,000 करोड़ 54,000 करोड़ होगा उसमें हम डेवलपमेंट का काम करवाएंगे, इतना हमारे पास पैसा होगा। और मैं पंजाब के लोगों को इस बात का वचन देता हूँ, 1 रुपया भी हम आते टाइम में कभी डेट नहीं लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। 5 साल में ये कर्जे में बहुत हद तक हम कमी करेंगे। आप देखिए जो हमारे पास फिगर्स है, जब इनकी गवर्नमेंट बनी है 22 अप्रैल में, वहां से लेकर इस साल की जनवरी एंड तक 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा उठा लिया, और ये दोनों महीने फरवरी और मार्च के इन्होंने ऐड नहीं किए, तकरीबन 7,000 करोड़ इसका हुआ। तो ये 67,000 करोड़ का कर्जा उठा लिया। कोई आप बात बताएं, नौजवान हमारी बच्चियों को, माताओं को, बहनों को प्रॉमिस किया 1,000 रुपया भत्ता देंगे महीने का, कहीं नहीं। ओल्ड एज पेंशन का हम 1500 देते थे, 2500 इनका प्रॉमिस है, कहीं नाम नहीं। शगन स्कीम का कहीं नाम नहीं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे मुलाजिम कब के इंतजार। और देखिए इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है, एक नोटिफिकेशन की जब हिमाचल और गुजरात की इलेक्शन हो रही थी कि पंजाब में नोटिफिकेशन कर दी, उसमें कहा ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, कांग्रेस ने आकर उसके बाद हिमाचल में की, छत्तीसगढ़ में की, राजस्थान में की, आज के दिन तक देयर इज नो नोटिफिकेशन। और जो उनके बकाए रहते हैं डीएज हैं, वो भी हमने शोर पिछले सेशन में डाला, 12% के बजाय 4% इन्होंने दिया, 8% वो रहता है, अभी सेंटर 4% और ऐड कर रहा है, अभी तक वो बकाया है। और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट, जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पिछली, उन्होंने एम्प्लॉयज को 15% का इंक्रीज दिया। और आप देखिए हैरानी की बात, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी ने बिना कैबिनेट को बताए हुए और बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए हुए वो राइट ऑफ कर दिया, कि 15% जो कांग्रेस लास्ट में आकर बटौतरी कर गई थी इनमें, इनकी सैलरीज में, सभी में, वो ही इज टेकन इट बैक। और बहुत सारे लोगों ने हमें, एम्प्लॉयज ने कहा जी कि वो चीफ मिनिस्टर के नोटिस में नहीं है, मैंने कहा नोटिस में 1 हफ्ता नहीं होगा तो 2 साल ही नोटिस में नहीं। ये जानबूझकर चीफ मिनिस्टर ने खुद और फाइनेंस सेक्रेटरी ने अपने पर ना लेते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी को कह दिया आप अपने दस्तखतों से विड्रॉ कर लो। तो कुछ भी कोई नई बात आप चीमा साहब हमें बताएं। आपने 16 मेडिकल कॉलेजेस का नाम लिया, 1 का नाम नहीं, कुछ कोई ऐसी चीज तो एक बताएं कि आपने किया, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए। जितनी रोड्स का नाम लिया वो तो सारी नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, पुल उनके बने हुए हैं, और इतना भारी नुकसान किया। आज मेरा सवाल था, और क्योंकि लास्ट में था तो इनका था कि इनको जवाब ना देना पड़े, इरिगेशन के डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ रुपया मांगा था कि दरियाओं के बंद मजबूत करने हैं, ड्रेने सारी साफ करनी है, तो उसके बजाय इन्होंने पैसे कितने दिए, 53 करोड़ रुपीस, जिसकी वजह से सारा पंजाब डूबा हुआ है। आज जितने हमारे एरियाज हैं जहां सड़कें टूटी हैं, कोई रिपेयर नहीं हुई, कोई पुली रिपेयर नहीं हुई, कोई ब्रिज रिपेयर नहीं हुआ, जितने बंद हैं वो रिपेयर नहीं हुए, सो पंजाब इज वुड बी अगेन फेसिंग अ सिमिलर सिचुएशन। सो देयर इज नथिंग टू शो, इट्स अ कंप्लीट फेल्ड बजट।
एक प्रिविलेज मोशन आपने लाए हैं, उसमें देखो प्रिविलेज मोशन जो ये तो बंधू स्पीकर है महाराज, ये चीफ मिनिस्टर का बंधू स्पीकर है। उठकर मैंने ये जिक्र किया कि हमारी सारी पार्टी ने साइन कर हमारे एक कुलीग एस्टीम्ड कुलीग के खिलाफ जो बहुत भद्दा टिप्पणी की है चीफ मिनिस्टर ने, उसका कम से कम आप फैसला कीजिए। कहता मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको बताऊंगा। बताना क्या, आप देखिए आज का दिन भी गुजर गया। तो कुछ इनसे एक हाउस का तो कोई सिस्टम ही नहीं, ये तो बिल्कुल एक बंधू स्पीकर है हु डज नॉट एक्सरसाइज नोज ओन पावर्स। चीफ मिनिस्टर के इशारे पर चलने वाले इस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखी है।